तो लेक व्यू तो पहुंच चुके हैं और मैं अभी आपको यहाँ पर ब्यूटीफुल व्यू दिखाता हूँ। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं उठ चुका हूँ और अभी मैं फ्रेश होता हूँ, मुंह धोता हूँ और फिर नाश्ता करते हूँ और फिर देखते हैं अपन आज कुछ क्या करेंगे। अच्छा सर, यहाँ पर रायल भाई सुबह सुबह यहाँ पर फोन चलाते हुए शॉर्ट पहले बैठ उठा था, सबसे पहले उठ गए थे। तो सुबह उठ के कुछ पढ़ाई लिखाई करा करो, फोन चलाने लगे, दिन भर शॉर्ट्स देखते हो, दिन भर काम करो, पढ़ाई करो। अब पढ़ाई क्या करो, निकल जाना, बताऊं अभी। और यहाँ पर अभी पापा के लिए चाय बन रही है और रायल भाई का दूध भी बन गया, फिर हमारी भी चाय बनेगी। तो जल्दी से फ्रेश होते हैं और फिर नाश्ता करते हैं। तो फ्रेश तो हो गए हैं और अब देखते हैं नाश्ते में क्या बना है। यहाँ पर हमारे सभी भाई अभी तक सो रहे हैं। सभी उठ जाओ, सुबह सुबह अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाने वाले थे पर इनके दोस्तों ने इनको धोखा दे दिया और वो खुद नहीं उठे बेचारे, सभी लुट गया अकेला। सभी लुट जाओ। तो नाश्ते में हमारे यहाँ पर गरम गरम पराठे और चाय, मजा आ गया। और माशाल्लाह राहिल भाई यहाँ पर हमारे पढ़ते हुए उर्दू पढ़ रहा है माशाल्लाह, उसके बाद इंग्लिश भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं मुझे। कम से कम आज 3 सब्जेक्ट्स कवर करना है अपन को। कितने सब्जेक्ट? ओके, 2 भी नहीं, 2 सब्जेक्ट्स कवर करना है। अरे 2 भी नहीं, सारे, जितने सारे कवर कर लोगे। वाह यार रायल, तुम तो जीनियस हो माशाल्लाह। बस बस बस, अभी ये पढ़ लो, अभी ये पढ़ लो, चलो आप। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, अभी ये उर्दू पढ़ो, पूरा ये चैप्टर कंप्लीट करो। रायल भाई का चैप्टर 8 का एग्जाम है स्कूल में, तो रायल भाई हमारे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। आप लोग भी दुआ करिए रायल भाई 100% ले आए, थम्स अप कर दो जल्दी सबको, लाइक करें गाइस और सब्सक्राइब भी करें और मेरी ये वीडियोस को में कमेंट भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों में। क्या बात है, और हमें मम्मी पापा भी करें। यस, तो अभी मैं और रायल भाई जा रहे हैं बार्बर के पास रायल भाई के बाल कटवाने के लिए, क्योंकि स्कूल में देखो कितने बड़े हैं, क्योंकि स्कूल में इनके सर ने इनको टोक दिया था कि अपने बाल कटवा लेना नहीं तो हम काट देंगे। मैं वैसे ही मुझे बदसूरत नहीं बनना वरना मैं स्कूल भी नहीं जाने वाला। स्टाइलिश बाल कटवाऊंगा एकदम स्टाइलिश। अरे मैं उसका नहीं, सर का कह रहा हूं, सर बदसूरत बना रहे हो पूरा। हां यार आड़े टेढ़े बाल काट देते तुम्हारे। तो चलो चलती है बाल कटवाने के लिए। तो हेयर सलून तो पहुंच चुके हैं और अब चलते हैं अंदर, रायल भाई के बाल कटवाएंगे फिर स्टाइलिश वाले, है ना। तो नेशनल सलून तो आ चुके हैं और यहाँ पर हमें हमारे आयान भाई मिल गए हैं जिसने कलर करवाया। भाई ये क्या करवाया आपने, हैं हमारे ऑडियंस को बता दिए। और हम ऐसा करिए भाई यहाँ पर दाढ़ी बनवा रहे हैं भाई, माशाल्लाह वैसे इतने स्मार्ट हैं आप, क्या जरूरत है आपको ये सब करवाने की। देखिए और स्मार्ट बनना, ऐसा करिए भाई हमारे और स्मार्ट। तो हमारे रायल भाई के बाल कटेंगे अब भाई, इनके ऐसे कर दिएगा थोड़े स्टाइलिश भी लगे और छोटे हुए हैं स्कूल के हिसाब से। आर एस स्टैन बोलो भैया, ओ आर यू स्टैन, राहिल उद्दीन स्टैन है, रैपर है हमारा भाई, इसलिए आज रैपर जैसे बाल भी कटवाएंगे। या ज्यादा हेलो डोलो मत, अभी बाल आड़े टेढ़े होगा है ना, सही हो जाओगे, गंजा होना पड़ेगा पूरा, पूरे गंजे ही होना पड़ेगा भाई, कर देंगे। ये सांस ले लो, सांस ले लो, कैप्टन की चटनी छोटी। अरे तो रायल भाई के बाल तो कट चुके हैं यहाँ पर, कैसे लग रहा है बाल? छे मैं क्या जूते में देख रहा है बाल बाल देख रहा है चल ना। अरे यार रायल का तो चलो जल्दी अब चलते हैं अपन। आपके क्या, आपके मुझे थोड़ी ना कटवाना बाल। तो हमारे रायल भाई के बाल तो यहाँ कट चुके हैं और अभी हो गई धूप, तो रायल भाई को धूप लग रही है और रायल भाई के बाल भी चुभ रहे हैं, तो जल्दी से घर चलते हैं और रायल भाई नहाएंगे, है ना। ये देखो पूरे बाल वाल लग रहे हैं। तो चलिए घर चलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। तो घर तो पहुंच चुके हैं और अभी रायल भाई बहुत गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि रायल को नहाना नहीं था पर अब नहाना पड़ेगा क्योंकि रायल बाल कटवा के आए तो बाल वाल चुभे ना, इसलिए नहाना जरूरी है। तो और जैसे ही रायल नहा के आता है अपन देखेंगे कि रायल का फाइनल लुक कैसा है बाल कटवाने के बाद।
तो अभी अब्बा जान उठ चुके हैं, तो अब्बा जान के लिए जल्दी से चाय बनाते हैं। तो चलिए चाय बनाते हैं। यहाँ पे अदी भाई चाय बना रहा है अब्बा के लिए। तुम भी कुछ कर लिया करो। देखो नौकरों का काम नौकर ही करते हैं। मैं नौकर हूँ मतलब बड़े आए। अब पता चल रहा। हाँ क्या बोल रहे थे? नौकर नहीं हूँ, शहजादा हूँ। शहजादा अपने अब्बा के लिए चाय बना रहा हूँ। अपने अब्बा के लिए चाय बना रहा हूँ। फकर है मुझे उस बात का। अच्छा। इस बात पे तुम मुझे नौकर। बोल रहा हूँ तो मुझे नौकर खेलवाना कबूल है बड़े यार। ओके। और मुझे तो दिखा नहीं रहे यार। अरे हाँ ये हमारे रायल भाई ना कर रेडी हो चुका हूँ। मैं रेडी हो रहा हूँ। आज व्लॉग मिस शुरू करूँ? कर चुके हैं व्लॉग शुरू। सो के उठ आया करो पहले। तुम्हारा भी व्लॉग बन चुका। पहले ही उठ गया था मैं। हाँ सुबह सुबह पता है कि उठे थे बड़े यार। तुम्हारे दोस्त तो आए नहीं तुम्हें लेने। फोन आ रहा था। उठा दिया। तो चाय तो हमने यहाँ पर चढ़ा दी है। तो जल्दी से चाय बन जाए तो अब्बा को चाय दे के आते हैं। तो यहाँ पर चाय तो चढ़ी रही है और यहाँ पर अम्मा घी भी बना रही हैं। घर का फ्रेश घी यहाँ पर देखिए कितना वाइटिश लग रहा है। एकदम प्योर घी बन रहा है हमारे घर पे। तो जैसे ही यहाँ चाय बन जाती है इंशाल्लाह उसके बाद यहाँ खाना खाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ चिकन बना हुआ है, चिकन कोरमा। वाह कितनी खूबसूरत बोटियाँ हैं। मजा आ जाएगा। गरम गरम रोटी के साथ खाएंगे घी लगी वाली। और हमारे रायल भाई यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं अभी रायल ने अच्छे से बाल सेट नहीं करे। सूखेंगे ना तो उसको अच्छे से सेट होएंगे। उसके बाद रायल स्टाइलिश लगेगा। यह एकदम यह तुम्हारे भाई ने कितने अच्छे बाल कटवाए। देगा बस लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें इस वीडियो में। मैं भी शेयर भी करें। ये 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाना है हमको। हाँ, जल्दी से इस वीडियो में मैं लाइक का ही रखता हूँ। 100 लाइक्स करने है। 100 लाइक्स करना है कम से कम आपको ये बार। तो पापा की चाय तो यहाँ बन चुकी है तो चलिए दे के आते हैं। और यहाँ पर रायल भाई कंप्यूटर चलाने लगे। अब कितना कंप्यूटर चलाओगे? अब पढ़ाई करने बैठना थोड़ी देर बाद। क्या खा रहा हो ये? पूरा खा लिया जैसे ही मैं आया। बड़े आए बहुत सियाने हो खा तुम। क्या देख रहा हो यार निक्कू व्लॉग्स? मेरे व्लॉग्स देखो। बिल्कुल नहीं। क्यों मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं देख रहा? इसमें वो लगा ना। नहीं बिल्कुल नहीं। कौन सा मीम? बिल्कुल नहीं। तो अभी मैं अम्मा और राहिल जा रहे हैं नानी के घर। तो चलिए नानी के घर चलते हैं। लिफ्ट में तो आ गए हैं और सीधा गाड़ी से नानी के घर चलते हैं। ऐसे चलते भाई मैं शॉपिंग करके आ रहा हूँ। शॉपिंग करके आ रहा हूँ। घर के कपड़े हैं, शॉपिंग करके नहीं आ रहा बड़े यार। तो नानी के घर तो आ चुके हैं और अभी मैंने अपने सेफ भाई को फोन लगा दिया। तो सेफ जैसे ही आता है फिर अपन कहीं देखते हैं, अच्छी जगह घूमने चलते हैं। तो हमारे सेफ भाई तो आ चुके हैं तो चलिए अपन चलते हैं बिल बनाने के लिए। आज 5 तारीख है और हर 5 तारीख को नानी के घर का बिल बनता है क्योंकि पूरे जो भी रेंट से यहाँ पर लोग रहते हैं उनका बिल बनाना पड़ता है और उनको फिर इक्वली डिवाइडेड रहता है क्योंकि सब मीटर लगे रहते हैं। तो उससे मैं बिल निकाल के उनको दे देता हूँ। तो अभी मैं और सैफ जा रहे हैं लेक व्यू वहीं पर मैगी वैगी खाने क्योंकि सफ़ात भाई नहीं है। तो अभी उन्हीं की रॉयल एनफील्ड से जा रहे हैं। सफ़ात भाई गोवा गए हुए हैं तो सैफ भाई का फ़ायदा हो गया, रॉयल एनफील्ड से घूम रहे हैं। तो गाड़ी में तो बैठ चुके हैं और अब जा रहे हैं एनफील्ड से। एनफील्ड की राइड में मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए चलते हैं लेक सिटी। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम लेक व्यू पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सनलाइट और आसमान कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और आप रोड भी देख सकते हैं एकदम सीधा सीधा कि बस गाड़ी चलाते ही रहो चलाते ही रहो और अपनी मंजिल पर पहुंच जाओ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लेक भी दिख रहा है और वो भी कितना ब्यूटीफुल है। लेक व्यू भोपाल का एक वन ऑफ द बेस्ट एरियाज है जहाँ पर लोग आते हैं अपनी फैमिली के साथ घूमने। यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी होती है, यहाँ बोटिंग भी होती है, यहाँ पर लोग लेक के पास खड़े होने भी आते हैं, फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं और एक बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा देखने को मिलता है। और आगे जाके वन विहार ज़ू भी है जहाँ पर एक ज़ू है और बहुत से लोग वहाँ पर भी आते हैं। सुबह सुबह अगर आप आए तो बहुत अच्छा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि सुबह सुबह आपको बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिल जाते हैं। तो लेक व्यू अगर आप कभी भोपाल आएँ तो बहुत अच्छी जगह है, आप लेक व्यू ज़रूर आइए घूमने के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं कितना रश हो चुका है क्योंकि आगे टूरिस्ट बस फंसी हुई है, इस वजह से यहाँ पर बहुत रश हो गया है और हम लोग भी बहुत देर से फंसे।
तो फाइनली रोड क्लियर हो गया, अब चलिए आगे चलते हैं और व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। तो लेक व्यू तो पहुंच चुके हैं और मैं अभी आपको यहाँ पर ब्यूटीफुल व्यू दिखाता हूँ, कितना प्यारा लग रहा है। और अभी ना इतनी भीड़ हो गई थी आगे, बस क्या बीच में खड़ी हो गई थी, टूरिस्ट बस आई हुई थी तो क्या गाड़ी वाले निकाल ही नहीं पा रहे थे, कार बीच में फंसी हुई, हम लोग भी इतनी देर अभी वहाँ फंसे रहे, अब जाके यहाँ आए फाइनली। तो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कितना प्यारा है, ये देखिए आप कितना प्यारा व्यू है। और ये हमारा लेक देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और यहाँ पर लोग भी आए हुए हैं लेक व्यू पे। और यहाँ पर पता है जू है साइड, इसको वन वी आर कहते हैं, इधर जू भी है तो लोग यहाँ पर भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर जाना सुबह सुबह ज़्यादा अच्छा है क्योंकि सुबह सुबह बहुत लोग मिल जाते हैं आपको। और आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा भोपाल दिख रहा है, उस साइड का पूरा शहर बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। क्या कोहरा हो रहा है, कोहरे से और नहीं दिख रहा। ये देखिए आसमान भी कितना प्यारा लग रहा है। ओ भाई साहब कितना प्यारा लग रहा है, ओह मून भी आ गया। यहाँ पर सन डाउन हो रहा है और वहाँ मून आ गया। तो हमने लेक व्यू तो देख लिया अपना, अब चलते हैं मैगी खाने के लिए क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है। तो मैगी खाने भी आ चुके हैं, अभी हमारी मैगी ऑर्डर प्रिपेयर हो रहा है, तो जैसे ही वो प्रिपेयर होता है बेहतरीन मैगी खाते हैं। तो बेहतरीन यहाँ पर मैगी बन चुकी है, हमारे भाई ने बहुत अच्छी मैगी बनाई है, अब चलिए खाते हैं। तो मैगी वैगी भी खा ली है, तो अब चलते हैं। पता नहीं क्यों आज गर्मी गर्मी सी लग रही है, आज इतनी सर्दी नहीं लग रही, तो सेफ भाई के साथ सफर पे चलते हैं उनकी एन फील्ड पे। तो घूम फिर के आ चुके हैं घर नानी के इधर वापस, तो अब लग रही है थोड़ी सी भूख। हाँ मैगी खाई थी पता है, पर मैगी से इतना पेट कहाँ भरता। तो अभी मैं लाया हूँ पाव, तो हो सकता है बन कबाब बने नानी के इधर, तो बेहतरीन बन कबाब खाएंगे। तो यहाँ पर हमारी नानी ने बेहतरीन बन कबाब बनाई है, आप देखिए ये मेयोनीज के साथ सॉस, ये चटनी, ये हमारे बेहतरीन कबाब, और ये बंस, और यहाँ पर एक्स्ट्रा सॉस और मेयोनीज, और यहाँ पर प्लेट्स भी आ गई हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारे मुस्तफा भाई भी आ गए, और आपको बताने वाला है बहुत टेस्टी होगी दिखने में ही लग रहा है। वो तो नानी ने बनाया तो सब टेस्टी ही होगा, वही नानी बनाती तो टेस्टी। आप भी कमेंट करिए कि आपकी नानी कैसे बनाती है और आपको उनके हाथ का खाना अच्छा लगता है और संडे में आना अच्छा लगता है कि नहीं। क्या बात है, तो चलिए बन कबाब खाते हैं जल्दी से। तो बेहतरीन बन कबाब वगैरह खा लिया, पेट भर चुका है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही था, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर।